नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11T Pro 5G versus Samsung Galaxy A52s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11T Pro 5G में 6.46 इंच जबकि A52s 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 11T Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 11T Pro 5G में 3.03 इंच जबकि A52s 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 11T Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 11T Pro 5G में 0.35 इंच जबकि A52s 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 11T Pro 5G में 204 ग्राम्स जबकि A52s 5G में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 11T Pro 5G में AMOLED जबकि A52s 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि A52s 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 11T Pro 5G में 85.12% जबकि A52s 5G में 84.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 11T Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि A52s 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 11T Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और A52s 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 11T Pro 5G में Adreno 660 जबकि A52s 5G में Adreno 642 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 और A52s 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 11T Pro 5G में नहीं है, जबकि A52s 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 11T Pro 5G में 5000 mAh जबकि A52s 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 11T Pro 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,989 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A52s 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Mi 11T Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A52s 5G की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 11T Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 10T Pro है, तीसरा Vivo V20 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।